फ्रेंड्स, वेलकम टू शैशा क्लासेस। पिछले क्लास में हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, सेल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और सेल के डिफरेंट डिफरेंट साइज देखा हमने। आज हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मींस होता है प्रिमिटिव और कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल, इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। आज हम लोग बैक्टीरिया का फिगर, प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर देख रहे हैं। यह प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर है। प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे बाहर से एक सेल वॉल होता है। ये देख रहे हैं, ये सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर एक और वॉल होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बाहर वाला सेल वॉल हो गया, अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेल के अंदर एक लिक्विड रहता है, सेमी सॉलिड टाइप्स, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उसको राइबोसोम बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s टाइप्स के राइबोसोम होते हैं। इस सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे होंगे आप, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग मिसोसोम। और इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर सर्कुलर का बीच में रहता है जब इस सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये मीजोजोम के पास आता है, क्योंकि मीजोजोम सर्कुलर डीएनए के हेल्प से सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। सर्कुलर डीएनए इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम न्यूक्लियोइड भी है। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इस सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, PLASMID, प्लाज्मिड। और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत छोटे छोटे ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन, बाल के आकार का हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको फिम्ब्रियाई बोलते हैं। जब सेल, यह प्रोकैरियोटिक सेल, यह बैक्टीरिया जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, तो उस समय वही एक और स्ट्रक्चर बाहर की तरफ उभर आता है, जिससे के मदद से एक सेल दूसरे सेल से अटैच हो पाए, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट हो पाए, जिसके कारण जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो पाए। वैसे स्ट्रक्चर को सेक्स पाइलाई बोलते हैं। और किसी किसी बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर होता है, जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। हर बैक्टीरिया में नहीं होता है, किसी किसी बैक्टीरिया में होता है। और उस कैप्सूल के अलावा भी एक और एडिशनल लेयर होता है, जिसे हम लिपोप्रोटीन बोलते हैं। तो यही था दोस्तों आज प्रोकैरियोटिक सेल, इसका स्ट्रक्चर। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के हर एक सेल ऑर्गेनेल्स के स्पेशल फंक्शन और इसका वर्क। नमस्कार दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन सेक्शन बिलो। धन्यवाद।